छोटी सी बहुत सुंदर घटना कहीं पड़ी हुई मुझे याद आती है। एक दिन सवेरे सवेरे दूध वाले के सामने दूध देने के लिए लोग आए हुए थे, सब आए हुए थे। दूध वाले के सामने ना पहली बार हमने देखा एक कुत्ता एक बैग लेके खड़ा है, और उसमें से कुत्ता पैसा दे रहा है उठा के। तो दूध वाले ने दूध का जितना पैसा होता उतना लिया और जो भी चेंज बचा उस बैग में डाला और दूध का पॉकेट भी डाल दिया। कुत्ते ने अपने मुंह में वो बैग पकड़ के भागते हुए बस स्टॉप पर सर्टन नंबर के बस पे चढ़े कुत्ता। चढ़ने के बाद आदमी जो कुत्ते को देख रहा था वो कुत्ते का पीछा किया, ये वंडरफुल लग रहा है, कुत्ता आया बैग लेके आया दूध लिया और भागा बस में चढ़ा। तो बस वाले को कुत्ते ने बैग से एक एड्रेस दिखाया, तो जैसे एड्रेस दिखाया और पैसे दिए उसने टिकट काटा और सर्टन प्लेस में जहां कुत्ते को उतरना था वहां पर वो उतर गया अपना बैग लेके और सीधा पहुंचा मालिक के घर जहां से वो आया था। वहां जाते ही कुत्ते ने बेल बजाया। कुत्ते ने बेल बजाया तो एक दो तीन बार बजाने के बाद मालिक ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही इतने गुस्से में डंडे से कुत्ते को मारने लगा। जो व्यक्ति कुत्ते का पीछा कर रहा था तो उसको बहुत वंडर लगा, इतना सयाना कुत्ता है जो यहाँ से वहां गया, दूध लेके आया, बस में चढ़ के टिकट काट के घर तक आया, ऐसे सयाने कुत्ते को क्यों मार रहे हो भाई, पूछा। तो कहता है इतना सब ले गया था, घर का चाबी भी ले जाता तो क्या होता, मेरा नींद ना इसने खराब कर दिया। घटना से आपको कुछ तो समझ में आया होगा। एक नन्हा सा कुत्ता, पालतू कुत्ता जो घर संभालने के लिए नहीं रखते हो आप, घर के रक्षा के लिए रखते हो, बस इतना सा काम है कुत्ते का स्वभावतः। उसने विद ट्रेनिंग इतना सब कुछ किया लेकिन फिर भी आप उससे और भी चाहते हो, ये चाहते हो कि वो आपको डिस्टर्ब ही ना करे, ये कुछ ज्यादा हो गया। अतिभारम अवसादयति। आजकल मनुष्य की हालात भी ऐसे ही हो गया है, मैं करता हूं, मेरे पास ये ताकत है, मैं ये भी कर सकता हूँ, सब कुछ मैं कर सकता हूँ। करते 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 ईगो का भार इतना हो जाता है, या फिर करते करते बाद में ये उल्टा शुरू हो जाता है, मैं ही सब कुछ करूं क्या, आप लोग क्यों खाने के लिए बैठे हो क्या, फिर बिहेवियर में बदलाव आ जाता है और आपसी रिलेशंस खराब हो जाते। इसलिए भगवान कहते हैं कि अति कहाँ भी नहीं करो, क्या करो, समत्व भाव रखो, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभ हो जय आ जय। सदियों से सुनते आए, हर स्टेज में हर इसमें इस बात का कोटेशन दिया जाता, लेकिन हाउ टू बी, कैसे समत्व भाव रखे। देखिए राग द्वेष विमुक्ताय, आगे चलकर भगवान कहते हैं राग द्वेष से विमुक्त होकर अगर तुम युद्ध करोगे, नैवम पापम आप्स्यसि, पाप नहीं होगा। तुम कर्म करते समय स्वार्थ की भावना या किसी के प्रति ज्यादा कि इनके लिए मैं कर रहा हूं ऐसे भावना, द्वेष की भावना न रखते हुए, स्वार्थ की भावना न रखते हुए अगर कर्म करो। एडगर केसी की एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल आता है, आप सबने सुना होगा। एडगर केसी एक पाश्चिमात्य वैद्य हुआ करते थे, या कहते वो स्पेशल मैन था, उनके पास सामने जो भी आता था उनका पिछले जन्म का उनको पता चल जाता था। एक बार एक अंधा पहुंचता है उनके पास, बहुत अच्छा व्यक्ति लेकिन वो जन्म से अंधा, तो पूछता है मेरी क्यों ऐसे हालात हैं, मुझे क्यों, कहते डॉक्टर्स ने कोई प्रॉब्लम तो है नहीं लेकिन दिखाई नहीं देता, आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन दिखाई नहीं देता। तो एडगर केसी पिछले जन्म में जाकर उनका देखे और बोले कि तुम हिटलर की सेना में दंडाधिकारी थे, माना दंड देना किसी को, जो भी सजा सुनाई जाती थी वो प्रैक्टिकल में करने वाले थे, तेरे पास जो भी आते थे उनका आंख निकालना, उनका हाथ काटना, पता नहीं कैसी कैसी सजा, लेकिन ऐसी सजा देते समय
तुम बहुत खुश होते थे, उसमें इन्वॉल्व होते थे, ड्यूटी समझ कर नहीं करते थे, जिसके फलस्वरूप तुम्हारी आंखें गई है। ये सच्चाई है, वास्तविकता है। इसलिए भगवान कहते हैं, जो भी कर्म अगर समभाव में रख कर करो कि मेरी ड्यूटी है, मैं कर रहा हूँ, समभाव से कर्म करो तो उसका पाप नहीं होगा।